राज्य अधिवक्ता संघ के आह्वान पर रीवा अधिवक्ता संघ का निर्णय, 23 मार्च से वकील जाएंगे हड़ताल पर। प्रदेश भर के वकीलों की हड़ताल से न्यायिक कार्यों पर काफी असर देखने में नजर आएगा। अधिवक्ता चाहते हैं एक महीने में 25 नए और 25 पुराने फैसलों का आदेश वापस दिया जाए। राज्य अधिवक्ता परिषद के नए अध्यक्ष निर्वाचित किए गए। यह निर्वाचन सर्वसम्मति से किया गया। पिछले एक महीने से मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा जारी किए गए एक आदेश के कारण पूरा अधिवक्ता वर्ग लगातार असंगठित रूप से आंदोलनरत था। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में यह कहा है कि प्रत्येक न्यायालय नए प्रकरणों के साथ प्रतिमाह 25 सर्वाधिक पुराने प्रकरणों का निपटारा करे। इसका अर्थ यह होता है कि वर्तमान प्रकरणों के साथ उतने ही प्रकरणों का निपटारा प्रत्येक न्यायालय प्रतिदिन करे, तब प्रतिमान लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकेगा। माने 25 तो वर्किंग डे मिलती है, उतने और नए, तो अब उतने ही जस्ट डबल हो गया। अभी 25 तो कर ही पाती थी। इस आदेश के कारण न्यायालयों के निर्णयों की संख्या तो बढ़ रही थी, लेकिन आपाधापी में उनकी क्वालिटी घट रही थी। पदाधिकारी शासकीय सेवा में होने के कारण सार्वजनिक रूप से अपनी परेशानी व्यक्त नहीं कर सकते। इनके अधिवक्ता भी इस आदेश के तारतम्य में अपने क्लाइंटों के साथ न्याय नहीं कर पा रहा। वैसे ही अधिवक्ता का प्रतिदिन का कार्यक्रम व्यवसाय के लिए लगभग पूरी तरह से समर्पित रहता है। उस पर भी उससे दो गुणी मेहनत की अपेक्षा करना मानवीय रूप से कदापि संभव नहीं है। कारण अधिवक्ता मध्य प्वाइंट के साथ न्याय कर पा रहे थे या न्यायिक पदाधिकारी
प्रकरणों के निराकरण में पर्याप्त समय दे पा रही। माननीय राज्य अधिवक्ता परिषद के प्रतिनिधि मंडल द्वारा माननीय मुख्य न्यायाधिपति उच्च न्यायालय को ज्ञापन सौंप कर दो बार इस आदेश को वापस ले जाने का निवेदन किया गया। किंतु आज तक वह आदेश माननीय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा वापस नहीं किया गया। अतः अब राज्य अधिवक्ता परिषद के साथ साथ जिला अधिवक्ता संघ भी आगामी दो दिन 21 और 22 को आदेश को वापस ले जाने की प्रतीक्षा करेंगे, अन्यथा 23 मार्च से इस उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अनिश्चितकालीन रूप से न्यायालयीन कार्यों से अपने को अलग कर लेंगे। और यह तब तक जारी रहेगी जब तक कि माननीय उच्च न्यायालय अपने विवादास्पद आदेश को वापस नहीं लेता। जैसे कि ये निर्णय